आजाओ भाई, सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ YET की डेली द हिंदू एडिटोरियल क्लास में। मुझे मालूम है जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उनका एक ही कमेंट होता है इंग्लिश के लिए, हमें तो समझ में नहीं आता है कब किस सेंटेंस में कैसे कौन सा टेंस लग गया और कब कौन सा ग्रामर रूल कहाँ फिट बैठ गया। इस चीज़ के पीछे रीज़न एक ही है, मैथ्स और रीजनिंग वाला लॉजिक आप इंग्लिश में नहीं लगा पाते हो, और गलती आपकी नहीं है, अपने को इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ाया नहीं जाता। बस मेरी कोशिश इस चैनल के जरिए यही है, छोटा सा अपना चैनल है, मैं आपको लॉजिक बताऊं इंग्लिश के अंदर, आपका इंटरेस्ट पैदा हो, आपके दिमाग से डर को निकले, आप इंग्लिश को सीखने के सही रास्ते पे जाओ कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। बस यही मेरी क्लास है, इसी क्लास को शुरू करने वाला हूँ शाइन अ लाइट नाम के इस एडिटोरियल के साथ। थोड़ा सा एडिटोरियल खास है आज, साइंटिफिक जो है ना इसकी थीम है, साइंस की थीम थोड़ी डिफिकल्ट होती है पढ़ने में, देखें मेरे साथ किस अप्रोच से पढ़ना है। शुरू करें फटाफट से शाइन लाइट। कुछ व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जहां पे मैं उनसे सवाल पूछता हूं तो वो कोशिश नहीं करते हैं अपना पेन चलाने की। मत करो कोशिश, कोई बात नहीं, पर एक चीज़ याद रखना, आपके साथ एग्ज़ाम देने मैं नहीं जाऊँगा, एग्ज़ाम तो आपको ही देकर के आना है, और वहाँ आपको चलाना पड़ेगा अपना पेन और बुद्धि को। तो जहाँ पे मैं सवाल पूछूँ अभी चलाने की कोशिश कर लो, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, है ना। कोशिश करना, हर लाइन में कॉन्सेप्ट है। शुरू करें, शाइन करना है एक लाइट को, जला देना है हमें, शाइन करना मतलब चमका देना, लाइट मतलब रोशनी को, तो रोशनी को चमकाना है। अब देखो कौन सी रोशनी है और कौन चमकाएगा ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी पहले टाइटल पैराग्राफ देखो, फिर इसकी टोन वोन भी बताता हूँ मैं आपको। कह रहा, साइंटिफिक प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज सीकिंग पावर एंड रिचेस। कह रहे जो साइंटिफिक प्रोसेस है ना, जो वैज्ञानिक तरीका है, जिस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर हम रिसर्च करते हैं साइंटिफिक प्रोसेस से, कह रहा उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसको ज़रूरत है महफूज किए जाने की। अच्छा, किन लोगों से? उन लोगों से जो सीख कर रहे हैं पावर को और रिचेस को, उन लोगों से जो भूखे हैं, जो तलाश के अंदर हैं ताकत की और पैसे की। तो ये तलाश में ना ताकत पैसे वाले लोग ये हर जगह हैं, कह रहे बस इनको साइंटिफिक प्रोसेस को इससे बचा करके रखना, इन लोगों से इनको लेबोरेटरी के अंदर घुसने नहीं देना इन लोगों को, समझ गए। सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। सीख तो आप जानते हैं ना, सीख का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ को ढूंढना या किसी चीज़ की बड़ी इच्छा रखना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉट, है ना, सीख की सेकंड फॉर्म सीक्ड नहीं, सॉट। आगे सॉट भी कई जगह आएगा, यहाँ आपने सीख देख लिया, ये बहुत बहुत जगह ये वर्ब काम आती है, इसका मतलब तीनों ही होते हैं, चाहे किसी चीज़ को ढूंढो आप, चाहे किसी चीज़ की कोशिश करो पाने की, या किसी चीज़ को आप जो है इच्छा रखो मन के अंदर। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ग्रीन, सेंटेंस की वर्ब है मस्ट बी प्रोटेक्टेड पिंक के अंदर। हर रोज इस एक्सरसाइज को मैं करता हूँ, पूरे एडिटोरियल को मैं आधा पौना घंटा निकाल करके इस तरह से अलग अलग कलर्स देता हूँ। सब्जेक्ट सारे के सारे ग्रीन हैं, सारी की सारी वर्ब्स पिंक हैं, आपके लिए मैंने इस एक्सरसाइज को किया है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते जाओ ना, ग्रीन और पिंक को पकड़ते जाओ, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बच्चों का गेम बन जाएगा, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आएगा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या इसको। तो हर रोज़ इस एक्सरसाइज को करने से एक वक्त ऐसा आएगा जब सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में से चीख करके आपको पुकारेगी, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसीलिए इस एक्सरसाइज को मैं करता हूँ। येलो के अंदर कुछ नहीं है, कुछ खास जिन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो येलो में है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है येलो वाले। शुरू करें, एक समरी आपको दे दूँ, समरी ये है, थोड़े दिन पहले ट्रंप ने बोला कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, आपने सुना होगा बहुत जगह, ये दवाई कोरोना से लड़ने के काम आती है, आपको कोरोना ना हो ना, उससे पहले ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले लो तो कोरोना होने के बाद आप बड़े अच्छे से उससे रिकवर कर जाओगे, ऐसा ट्रंप ने बोला, फिर मोदी साहब ने बोला, और भी दुनिया के कई देशों ने अपने इंडिया से इस दवाई को मंगाया। हुआ क्या, थोड़े दिन बाद पता लगा यार ये लैंसेट नाम का एक साइंस जर्नल है, एक साइंस की किताब है, हर वीक हर मंथ आने वाली, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही बड़ी किताब है, मजबूत किताब है। कह रहा इसने एक स्टडी में डाल दिया, बताया स्टडी करके सबको कि भाई ये तो बिना बात की दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसका कोरोना से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद एक दूसरी जो थी मैगजीन, उसने भी ऐसा ही छापा, जैसे इन दोनों ने छापा ना तो WHO इनके प्रभाव में आ गया, इन्फ्लुएंस में, WHO ने बोल दिया भाई मोदी जी और ट्रंप जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं हवा में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के कोई ट्रायल वायल नहीं होंगे, बिना काम की ये दवाई है। अब हाल में पता चला ये दोनों जनरल जिन्होंने इस दवाई के लिए ऐसी स्टडी को किया और छापा, जहाँ से डेटा लाए थे ना वो कंपनी फर्जी थी, वो कंपनी जो थी उस कंपनी ने बताने से मना कर दिया कि डेटा हम कहाँ से लाए हैं, तो उस कंपनी के हमें इंटीग्रिटी पे सवाल उठ गए हैं, पूरी दुनिया में मालूम ये चल रहा है कि ये दोनों स्टडी झूठी थी,
इन दोनों स्टडीज़ के पीछे जो नतीजे निकले हैं उन पर हमें विश्वास नहीं करना है। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है यार तुम सब जगह करप्शन कर बैठे हो, सब जगह पावर और रिचेज के अंदर तुम प्रोपोगेंडा करते हो, साइंस में मत करो, साइंस में सही डेटा लाओ, सही प्रोसेस को फॉलो करवाओ, लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना, पावर और रिचेज अलग गेम है, लोगों की लाइफ अलग गेम है। समझ गए ना, देसी भाषा में मैंने आपको समरी बता दी है, ऐसा ऐसा एक पूरी दुनिया में कहानी सी चल रही है आजकल। कोशिश करेंगे इस समरी को आप लिखने की, कमेंट सेक्शन में डालें 5 से 6 सेंटेंसेस में, और डिटेल में आप मेरे साथ देखेंगे। बट लिखने वालों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, हर रोज़ आप लिखें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसकी टोन क्या है, आज की टोन बोलेंगे हम एथिकल या मॉरल। एथिकल मॉरल क्या होता है, जिसमें आपको ये बताया जाए कि भाई ये काम आपको करना चाहिए, नैतिक तौर पर ये काम अच्छा है। तो ये नैतिकता की बात कर रहा है कि साइंस के अंदर भूखे लोगों का कोई काम नहीं है, पावर और रिचेस के लिए नैतिकता को हमें फॉलो करना है। समझ गए ना, एथिकल या मॉरल आज की टोन है। शुरू करें, 2 वीक्स अगो अ स्टडी इन द लैंसेट परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल इन द वर्ल्ड फाउंड नो बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अ वेल नोन एंटी मलेरियल टू ट्रीट सिक COVID-19 पेशेंट्स। 2 हफ्ते पहले क्या हुआ भाई, एक स्टडी आई इस अखबार के अंदर, द लैंसेट नाम के जो है जर्नल के अंदर, कर जो कि शायद है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा प्रभाव असर रखने वाला मेडिकल जर्नल है ना पूरी दुनिया के अंदर, इन द वर्ल्ड। कह रहा है इस जर्नी ने पाया, इस लैंसेट ने पाया, फाउंड किया कि कोई भी बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट है यूज से, इस्तेमाल से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के। अच्छा, ये क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एक जानी पहचानी एंटी मलेरियल ड्रग है, सब जानते हैं इसको, मलेरिया से लड़ने के ये काम आती है। कह रहा है इसका कोई यूज़ नहीं है ऐसा इसने पाया, और किस काम को, ट्रीट करने को सिक COVID-19 पेशेंट्स को, बीमार ऐसे पेशेंट्स को जो COVID-19 के बीमार हैं। समझ गए, 2 वीक पहले इस स्टडी ने ऐसा पाया, इस दवाई के इस्तेमाल से कोविड के पेशेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आपसे 2 दिन पहले मैंने किया था, ये 4 स्पेलिंग्स हैं, आप मुझे बताएंगे, चारों के चारों नो वर्ड पे बनी है, नो नाम की वर्ब पे, नोन, अननोन, रिनोन और वेल नोन, इन चारों में से कौन सी गलत है। चलो कोशिश सब करना है, देखो यही आता है एग्जाम में ना, वहां आप कोशिश करोगे तो यहां भी कोशिश करनी है ना। नो वर्ब में सबको लगता है भाई KNOW आएगा, पर एक वर्ड नो वर्ब ऐसा भी बनाती है जिसमें के नहीं आता, तो एक्चुअल में होता है रिनाउन। रिनाउन का मतलब होता है हर तरफ पहचाना, जाना पहचाना, या वेल नोन बोल दो, इसका सिनोनिम है रिनाउन का। रिनाउन के अंदर के नहीं आता, इन तीनों में के आएगा, पर रिनाउन में के को आप कर देते हैं मिस, ध्यान करें इसको स्पेलिंग एरर के अंदर। अच्छा, सिक, एलिंग और इल, इन तीनों में मैंने आपको फर्क बताया हुआ है, फटाफट से मुझे बताएं। यहाँ पे तो उसने सिक पेशेंट लगा दिया, आपको सिक, एलिंग और इल में से कौन सा फिट करोगे इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर। स्क्रीन को फ्रीज करें पहले और आप मुझे बताएंगे, एक से ज़्यादा भी फिट हो सकते हैं, आप बताएं सेंटेंस ए में कौन कौन से फिट होंगे, सेंटेंस बी में कौन कौन से फिट होंगे। चलो, मैंने आपको बताया सिक इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो थोड़े वक्त के लिए बीमार है, जैसे आज आपको बुखार हो गया है ना, 5 दिन 4 दिन रहेगा फिर सही हो जाओगे। एलिंग का मतलब होता है लंबे वक्त से बीमार, जैसे कोई किडनी का पेशेंट है, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है ना, ही इज एलिंग विद किडनी डिजीज, वो किडनी डिजीज से बहुत दिनों से परेशान है। तो सिक और एलिंग का तो मतलब एक ही है, इल का मतलब होता है अलग, इल का मतलब होता है बीमार भी और खराब भी। अगर ये किसी नाउन के पहले आ जाए तो बना देगा उस नाउन को खराब, और अगर किसी नाउन के बाद में आ जाए तो उस नाउन को बना देगा बीमार। जैसे द पेशेंट डाइड सिक, एलिंग या इल, सिक और एलिंग में से कोई भी रख दो ये पेशेंट को आप बता सकते हो। सिक पेशेंट मतलब थोड़े दिनों से बीमार, एलिंग पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से बीमार। पर इल पेशेंट डाइड लिखूंगा ना, जैसे ही मैं ऐसा लिखूँ ना इल पेशेंट, इसका मतलब क्या होगा, बदमाश पेशेंट मर गया। इल मतलब खराब आदमी, खराब चीज़, बदमाश है ना, तो ये पेशेंट कोई बदमाश तो था नहीं, ये तो बीमार था। तो इल का मतलब बीमार नहीं होता, अगर जिस आदमी के पहले आप लगा दो जिसको आप इल करना चाह रहे हो, बीमार करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एलिंग और सिक दोनों आ जाएंगे। ठीक, अच्छा सेकंड वाले सेंटेंस में देखो, द पेशेंट इज स्टिल सिक, एलिंग या इल, यहाँ पे सिक एलिंग दोनों लगा सकते हो, और जैसे ही आप इल लगाओगे ना इसका मतलब हो जाएगा बीमार। क्यों, यहाँ पे पेशेंट बदमाश नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी लिंकिंग वर्ब से पहले आ चुका है। बस ध्यान रखें हमेशा, इल को लिंकिंग वर्ब के बाद लिख रहे हो, नाउन के बाद में लिख रहे हो तो बीमार, इल को नाउन से पहले लिख रहे हो तो बदमाश। आगे बढ़े, चलो, टुडे दैट स्टडी स्टैंड्स रिट्रैक्टेड, आज ये स्टडी स्टैंड हो गई है, खड़ी है पीछे आकर के, रिट्रैक्ट होकर के।
इस स्टडी को रिट्रैक्ट कर लिया गया है, ये स्टडी विड्रॉ कर ली गई है, ये स्टडी कैंसिल हो गई है ना, जो इस स्टडी ने ऐसा बताया था। कह रहा एज इट हैड रिलाइड ऑन अ ह्यूज डेटा सेट ऑफ अबाउट 96,000 पेशेंट्स सोर्स्ड फ्रॉम 671 हॉस्पिटल्स इन 6 कॉन्टिनेंट्स। कह रहा क्योंकि इसने रिलाई किया था, एज इट हैड रिलाइड ऑन, क्योंकि इसने सारा लिया था, निर्भर रही थी ये किस पे, एक बहुत ही ह्यूज बड़े डेटा सेट पे, बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन पे, किसकी, इतने पेशेंट्स की, और जिस इंफॉर्मेशन को सोर्स फ्रॉम किया गया, लेकर के आया गया इतने हॉस्पिटल्स में से, और कहाँ से कहाँ थे हॉस्पिटल्स, 6 कॉन्टिनेंट्स में, 6 महाद्वीपों में। कह रहे क्योंकि ऐसा हुआ था। अच्छा, उसके होने के कारण क्या हुआ, द WHO द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइटिंग अ डू नो हार्म प्रिंसिपल सस्पेंडेड ड्रग ट्रायल्स पेंडिंग अ सेफ्टी रिव्यू। कह रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना इस चीज़ को देखते हुए और हवाला देते हुए नहीं करेंगे कोई भी नुकसान ऐसे प्रिंसिपल का, है ना, डू नो हार्म प्रिंसिपल। कह रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रिंसिपल का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दिया था इस ड्रग के ट्रायल्स को, टेस्टिंग को, जब तक एक सेफ्टी रिव्यू पेंडिंग हो। समझ गए? तो ये इतनी बड़ी जर्नी, इतनी बड़ी जर्नल था, इतनी बड़ी इसने जो डेटा सेट को यूज़ करके इस रिसर्च को किया था, WHO के कान खड़े हो गए, डर गया, कह दिया भाई हम तो इसकी जब तक सेफ्टी रिव्यू नहीं होगा ना, तब तक इसके ड्रग ट्रायल्स को सस्पेंड कर रहे हैं, ना इंडिया को करने देंगे, ना अमेरिका को करने देंगे, और साइड कर दिया, साथ में हवाला दे दिया इस प्रिंसिपल का। इस प्रिंसिपल का मतलब है कुछ नया मैं अच्छा ना भी कर पाऊँ तो पुराने वाले को नहीं बिगाड़ूंगा, कोरोना की वैक्सीन ना भी बना पाऊँ तो क्लोरोक्विन दे करके किसी को बीमार नहीं करूँगा, है ना, ऐसा इसने हवाला दिया था। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आई हैं, फटाफट शुरू करूँगा, अगर आप सेंटेंस समझ गए हो तो, ग्रामर से इसकी साइटिंग आप समझ गए हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सिमिलेटिव सेक्शन बता रहा है, WHO ने सस्पेंड किया ड्रग के ट्रायल्स को, मेन वर्ब, और कैसे किया भाई, कैसे किया, साइट करते हुए, हवाला देते हुए इस प्रिंसिपल का। तो दो काम कर रहा था WHO, मेन काम किया उसने ये, सिमिलेटिव सेक्शन वाला काम किया ये। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए हो ना सिमिलेटिव सेक्शन पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, रियल क्वेश्चन बना करके बता रहा हूँ आपको, मैं SSC का क्वेश्चन है, उठा करके लाया हूँ मैं, आप इस क्वेश्चन मुझे एरर बताएंगे। चलो, कोशिश जरूर करना, कमेंट में डालना, अगर आपको नहीं पता पड़ रही है तो बता रहा हूँ मैं, है ना, जैसे मैं बोलूँ ना बताएंगे तो आपको एग्जाम की तरह लेना है, जैसे एग्जाम आपको चल रहा हो, कोशिश आपको ऐसी रखनी है। देखो इस सेंटेंस में एरर क्या है, हिंज ओवर द रिसर्च हिंजिज ओवर ऑन एनेक्डोटल एविडेंस एंड वॉज डिसमिस्ड। रिसर्च हिंज ओवर करती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड करना, रिलाई करना, डिपेंड करना, है ना, इसके सिनोनिम है। तो रिसर्च रिलाई करती है एनेक्डोटल एविडेंस पे, ऐसी एविडेंस जो सुनी सुनाई है, एनेक्डोटल वर्ड आपको मैंने बताया ना, सुना सुनाया, सुनी सुनाई एविडेंस पे जो है रिलाई करती है और इसको डिसमिस कर दिया गया। तो रिलाई का सिनोनिम है हिंज। अब दिक्कत क्या है, रिलाई और इसके सबके सिनोनिम एक फिक्स प्रपोजिशन को लेते हैं, है ना, मैंने वो कई बार बताया हुआ है, फिक्स प्रपोजिशन सिनोनिम्स के साथ चलती है मोटे तौर पे। रिलाई करना इज इक्वल टू हिंज करना, दोनों का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना, और इनके बाद में जो फिक्स प्रपोजिशन है ना वो क्या लगेगी, ऑन, ऑन या अपॉन, ठीक है ना। तो रिलाई ऑन, रिलाई अपॉन, हिंज ऑन, हिंज अपॉन। अब यहाँ पे हिंज ओवर आया ना, यही सेंटेंस दिया था आपको गलत वाले को सही बनाने के लिए SSC के अंदर। बढ़े आगे, फिक्स प्रपोजिशन हमेशा ध्यान रखेंगे, खबरी पे मैं आपको करवा चुका हूँ, अगर अभी भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखा है खबरी का, जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो, है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है ऊपर ही। आगे बढ़ते हैं, हाँ, कह रहे दिस लेड टू सम कंट्रीज इन यूरोप विड्रॉइंग द ड्रग फ्रॉम देयर ऑन ट्रायल्स। कह रहे ये चीज़ लेड टू कर गई, हमें आगे ले गई, और कहाँ पे, कुछ कंट्रीज़ के यूरोप के अंदर विड्रॉ करने की तरफ, कुछ कंट्रियाँ यूरोप की वापस खींच खींच गई, किसको, इस ड्रग को, उनके खुद के ट्रायल में से। उन्होंने इस ड्रग के ट्रायल करने बंद कर दिए, क्योंकि जैसे ही WHO ने बोला हम तो इसके ट्रायल आपको नहीं करने देंगे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट है दिस, लीड टू एस की वर्ब, टू फिक्स प्रपोजिशन है, लीड के साथ हमेशा आती है, इसके बाद हमेशा एक नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आता है लीड टू के बाद, है ना, जिन जिन में टू प्रपोजिशन लगी उनके बाद नाउन प्रोनाउन जेरेंड आता है। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, इसको मैं जेरेंड की वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, शायद देखते हैं हमने कितने लोगों को मालूम है, इस लीड टू का ऑब्जेक्ट कौन है, सम कंट्रीज इन यूरोप है या विड्रॉइंग है, आप मुझे बताएंगे आज, डालना कमेंट सेक्शन में, देखें कितने लोगों को जेरेंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है, फिर मैं बताऊंगा, फिर तो सबको आने लग जाएगा, हर लड़का लड़की जानने लगेगी अगर फोकस के साथ देखें तो, ठीक है, कोशिश करके बताना मुझे टू का ऑब्जेक्ट कौन है, ये कंट्रीज हैं या विड्रॉइंग है। चलो, अच्छा, अब आ जाओ ऑन पे, तीन क्वेश्चन हैं आपके सामने, फटाफट से आप
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे कौन से पार्ट के अंदर एरर है ना, कहाँ पे एरर है। पहले आप सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पता लगे क्या आपने गलती मिस कर दी। चलो शर्म मत खाना, वीडियो को पॉज कर लेना, टाइम चाहिए हो तो, बस ढीठ मत बनना है ना, ढीठ बन के मत बैठ जाना कि मैं तो नहीं करूँगा, सर ही करवाएं। चलो कह रहे, द गवर्नमेंट डिफेंडेड ऑन डिसीजन ऑफ इम्पोसिंग लॉकडाउन साइडिंग द वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक ऑफ द वायरस। सरकार ने डिफेंड कर दिया, सरकार ने जस्टिफाई कर दिया अपने डिसीजन को, इम्पोज करने का था लॉकडाउन को, और कैसे किया, हवाला देते हुए पूरी दुनिया में वायरस के आउटब्रेक को। तो बोला यार सब जगह वायरस हो रहा है तो हमें भी लॉकडाउन करना पड़ा, ऐसा उसने डिफेंड किया अपने डिसीजन को। दिक्कत क्या है, ये ऑन नाम का एडजेक्टिव इस डिसीजन को मॉडिफाई कर रहा है, पर ये बड़ा ढीठ है ना। कैसा ढीठ है, वो जो आप में से कुछ लोग हैं ना चलाते नहीं अपनी बुद्धि, वैसा ढीठ ये भी है। ये क्या करता है, ये कहता है भाई मेरे को तुम नाउन दे दो कोई भी, मैं कर दूंगा उसको मॉडिफाई, पर अकेला नहीं आऊंगा मैं, मुझे तो उससे पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन आपको देना पड़ेगा। सरकार ने किसके डिसीजन को डिफेंड किया, सरकार ने खुद के डिसीजन को डिफेंड किया। अगर खुद के डिसीजन को डिफेंड किया तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे इट्स ऑन डिसीजन, क्योंकि ऑन क्या कहता है भाई, मेरे को एक पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव नाउन दोगे तभी मैं किसी को मॉडिफाई करूँगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अकेला कभी भी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, समझ गए। खास एडजेक्टिव है, इसको ध्यान रखें, इससे पहले एक पजेसिव केस आपको देना है। बस सारा सवाल देखो, ये तो बहुत लड़के जानते हैं ऑन अकेला नहीं आता, कोशिश मेरी ये बताने की आपको कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव इससे पहले आएगा, ये आप सीखें। सरकार के लिए क्या आ गया, इट्स, मान लो सरकार की जगह है शीला होती, शीला है ना, शीला होती तो क्या आता है यहाँ पे, हर, हर है ना। अच्छा मान लो शीला की जगह पे राजा होता, राजा होता तो हिज आ जाता, अगर राजा की जगह पे राजा और शीला दोनों होते तो देर आ जाता, समझ गए ना। तो जो भी होगा ना सब्जेक्ट उसके हिसाब से प्रोनाउन को आपको करना है चूज, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको करवा चुका हूँ कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा, ऐसा मत बोलना सर ये तो मेरे को पता ही नहीं है पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कहाँ करवाया मैंने, ग्रामर वीडियो सीरीज है अपनी पूरी, जाकर के आप फॉलो करें, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बाय YET चैनल के होम पेज पर रखिए, 15-14 घंटे के अंदर आप पूरा लॉजिक के साथ सीख सकते हो हर चीज़ को। आगे बढ़ें, सेकंड क्वेश्चन को देखें, द WHO अपलोडेड द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर्स एम्प्लॉयड बाय इंडिया एंड न्यूजीलैंड एंड सेट द रिस्ट्रिक्शंस वर फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑन पीपल या फॉर ऑन पीपल। कह रहा है ये WHO ने अपलोड किया, बड़ी प्रशंसा की इन लॉकडाउन मेजर्स की जिनको इम्प्लॉय किया गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, और बोला रिस्ट्रिक्शन जो थे ना वो बेनिफिट थे, बेनिफिट के लिए थे इनके खुद के लोगों के लिए, मतलब उसने बोला इन दोनों कंट्रीज ने बड़े अच्छे लॉकडाउन लगाए हैं और इनके लोगों को ही फायदा हुआ है। अब यहाँ पे ऑन पीपल आया तो किन के ऑन पीपल है भाई, इंडिया और न्यूजीलैंड के, तो ऑन से पहले एक चाहिए आपको पजेसिव एडजेक्टिव, देयर, देयर ऑन पीपल, इंडिया और न्यूजीलैंड दो है ना, इट तो आ नहीं सकता, अब क्या करें, देयर ऑन पीपल लगा करके हम बना देंगे, है ना, यहाँ पे ऑफ कर देना बेनिफिट्स ऑफ देयर ऑन पीपल। थर्ड में मुकेश अंबानी इंडियाज द रिचेस्ट मैन ऑन्स द मेजोरिटी इक्विटी इन रिल, मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे रिच मैन ऑन करता है मेजोरिटी इक्विटी को रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अंदर, बस वही फॉर्मूला है, जैसे ही ऑन दिखे उससे पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव लगा दो, मुकेश अंबानी है तो हिज ऑन्स द मेजोरिटी इक्विटी इन रिल। अब जिन लोगों ने ऐसा किया ना बहुत नमस्कार है उनको, जिन लोगों को लगता है सही है सेंटेंस, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पर, रट्टे मत मारना, ऑन आया एक एडजेक्टिव तब तब मैंने इसके आगे पजेसिव एडजेक्टिव को लगाया है ना, जब ऑन एक खुद एडजेक्टिव बन के आया है। यहाँ पे ऑन का मतलब है किसी चीज़ को ऑन करना, किसी चीज़ को अपने पास रखना, किसी चीज़ का पजेशन होना, यहाँ पे ऑन आपकी मेन वर्ब है। मुकेश अंबानी ऑन करता है मेजॉरिटी इक्विटी को रिलायंस इंडिया लिमिटेड में, क्या इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, क्या इसके पहले कोई नाउन ऐसा आ रहा है, अरे भाई कुछ कुछ भी नहीं आ रहा, ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है ना तो पजेसिव एडजेक्टिव मत चिपकाए ना इसके अंदर, ध्यान रखना है कंप्यूटर मत बन जाना है ना, सॉफ्टवेयर फीड कर दिया आपके, तो ऑन देखते ही बस कान खड़े हो जाएं और फटाफट पजेसिव एडजेक्टिव लगा दो, ऐसा काम ना करें, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसमें एक एरर और है, मैं 2 मिनट के लिए यहीं फ्रीज कर रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए, आप मुझे बताएंगे कौन सी एरर इसमें रह गई एक और। चलो पजेसिव केस के बाद कभी भी द नहीं लगाना, इंडियाज रिचेस्ट मैन होगा, इंडियाज द रिचेस्ट मैन, द रिचेस्ट मैन है ना, ऐसा नहीं होता, बताया था ना कल ही आपको, तो इंडियाज रिचेस्ट मैन बनाऊंगा चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो तब भी। बढ़े आगे, चलो कह रहे अनदर स्टडी इन्वॉल्विंग सम ऑफ द सेम ऑथर्स एंड रिलाइंग ऑन द सेम डेटा पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन विच सॉट टू आंसर क्वेश्चंस ऑन द एसोसिएशंस बिटवीन कार्डियोवास्कुलर डिजीज कोविड 19
एंड ड्रग्स दैट टारगेट एंजाइम्स। सेंटेंस तो देखो खत्म हो ही नहीं रहा, तो क्या करें, एक बार थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी स्टडी आई, अनदर स्टडी। कौन सी स्टडी है? इन्वॉल्व करने वाली कुछ और सम ऑफ द सेम ऑथर्स, कुछ ऐसे ही ऑथर्स को, है ना, जो ऊपर वाली स्टडी में आए थे ना लैंसेट में, उन्हीं ऑथर्स ने, उन्हीं साइंटिस्ट ने एक और स्टडी किसी दूसरी मैगजीन के लिए कर डाली। कह रहा है ऐसी स्टडी इन्वॉल्व करने वाली ऐसे ही ऑथर्स को, और वो स्टडी जो रिलाई करती थी, जो कि डिपेंडेंट थी इसी सेम डेटा पे, जो कि पब्लिश हुआ था द न्यूयॉर्क इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर। उसी डेटा पे उन्हीं आदमियों की एक और स्टडी आई, कह रहा है विच सॉर्ट, जिसने कोशिश की टू आंसर करने की क्वेश्चंस को, सवालों को, एसोसिएशन पे, लिंक के ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर, संबंध के ऊपर, किस किस के बीच, बिटवीन इस बीमारी के और इन दवाओं के, है ना। इसने ये देखने की कोशिश की कि इन दवाओं के बीच में और इन दोनों बीमारियों के बीच में कौन सा कनेक्शन है। कह रहे वो ड्रग्स हैं ये जो कि टारगेट करती हैं एंजाइम्स को, और वो एंजाइम्स हैं जो कि प्ले करते हैं एक भूमिका को फैसिलिटेट करने में, फैसिलिटी देने में, और किसकी, वायरस को फैसिलिटी देने में, अटैक करे वो एक होस्ट को। कह रहे ये जो स्टडी है ना, अब इसकी वब आई है, हैज़ ऑल्सो बीन रिट्रैक्टेड, इस स्टडी को भी रिट्रैक्ट कर लिया गया है, इस स्टडी को भी हमने कैंसिल करके विड्रॉ कर लिया है। सेंटेंस देख रहे हो आप, वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ में आ गया तो। सब्जेक्ट कहाँ पे है? चाइना में। वर्ब कहाँ है? जापान में, है ना। अगर जिसने ये पकड़ लिया वो तो कहेगा यार ये कुछ भी नहीं है, और जिसको सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ना है ना, वो सेंटेंस को मेरे ख्याल से ये 5 घंटे दे दूँ तो भी नहीं बता पाएगा इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो। इसीलिए बताता हूँ भाई, सब्जेक्ट वर्ब पे ध्यान दो, ऐसे ही बने हुए हैं। अब इसमें देखने वाली चीज़, अनदर के बाद में क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। अदर के बाद में क्या आएगा? प्लूरल नाउन। सीख चुके ना मेरे साथ इतना, फटाफट दोनों सेंटेंस के अंदर बताओ अगर कोई एरर दिख रही है तो। चलो आज इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, अदर अनदर द अदर वाला। इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करनी, उस दिन भी रह गई थी, बाद में कई बार मैंने सोचा बताऊँगा, चलो आज बता देता हूँ। अदर है ना, अदर अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा, पर ओनली अदर, एनी अदर जब ऐसा आ जाए ना तो इसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ जाता है। द ओनली अदर ऑप्शन लेफ्ट इज टू स्टार्ट अगेन, सिर्फ एक ही दूसरा ऑप्शन बचा है, कौन सा, जो कि है स्टार्ट करने का, जो कि इस चीज़ को फिर से शुरुआत करने का। कैन यू टेल मी एनी अदर हॉस्टल इन द एरिया, क्या तुम मुझे इस एरिया के अंदर कोई दूसरा होटल बता सकते हो। तो देखा, ओनली अदर, एनी अदर, क्या लगाया मैंने, इसके बाद में सिंगुलर नाउन को लगाया, तो अदर के बाद प्लूरल लगता है, पर ओनली और एनी का ध्यान देना है, अगर ये आ जाए ना तो फिर इसको अनदर की तरह ट्रीट करना है, इसको सिंगुलर नाउन इसके बाद में आप दे देते हैं। इसी सेंटेंस में एक और कॉन्सेप्ट है, बिटवीन वर्सेज अमंग वाला, मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा चुका हूँ कॉन्सेप्ट, है ना, शायद 2 बार या 3 बार करवा चुका हूँ। आज आप कोशिश करेंगे इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर मुझे आप बताएंगे क्या एरर है, पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ। देखो अगर आप नए हो, मैं बता दूँ आपको, आप आज तक यही सोचते आए हो कि भाई बिटवीन लगता है 2 के बीच में, अमंग लगता है 2 से ज़्यादा के बीच में, वो कहानी है आधी, है ना, पूरी कहानी नहीं आपने सुनी, आज अपने पूरी कहानी देखेंगे आगे की। फिर से होता क्या है, बिटवीन लगेगा 2 या 2 से ज़्यादा के, और अमंग लगेगा 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में, तो मतलब 2 चीज़ें होंगी ना, तो उनके बीच में तो बिटवीन लगाना है, और 2 से ज़्यादा जैसे ही हों, जैसे 3 हो 4 हो 5 हो 50 हो 1000 हों, उनके अंदर आप अमंग और बिटवीन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो आपकी कन्वेंशनल विजडम ये बताएगी आपको स्कूल में कि 3 4 5 हो तो अमंग लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ 3 4 5 के बीच में बिटवीन भी लगता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है, जब जब 3 4 5 चीज़ें आपके पास हो, आपको बिटवीन लगाना है, अमंग लगाना है। 2 के बीच में कभी भी अमंग नहीं लगेगा, ये आपने जो सीखा है वो बिल्कुल सही है, 2 के बीच में सिर्फ बिटवीन लगेगा। द स्टडी ट्राइज टू आंसर एसोसिएशन अमंग द टिटनेस इन्फ्लुएंजा एंड COVID-19 वायरस। स्टडी कोशिश करती है आंसर करने की एसोसिएशन को इन तीनों चीज़ों के बीच में, टिटनेस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और COVID-19 वायरस। ध्यान देना है, शायद टिटनेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, क्यों लिख दी है पता नहीं मुझे, चलो अभी ठीक है ना, टिटनेस। तो इन तीनों वायरस के बीच में एसोसिएशन को आंसर करने की कोशिश करती है। आपका दिमाग कहेगा सर अमंग लगा दूं यहाँ पे, 3 आ गए, मैं वो बताता हूँ यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिटवीन। क्यों आएगा बिटवीन? क्योंकि तीनों वायरस के नाम दिए हुए हैं, तीनों चीज़ों को स्पेसिफाई किया हुआ है। जब जब आपके पास स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ थिंग्स आ जाएं, जिनमें हर चीज़ को आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाओ, उस केस में आपको 3 होने के बावजूद, 4 होने के बावजूद, 500 होने के बावजूद लगाना है बिटवीन को, ठीक है ना। इस केस में तीनों वायरस के नाम दिए हुए हैं, जब तीनों के नाम आ गए ना भाई, तब यहाँ अमंग नहीं आएगा, यहाँ पे तो बिटवीन ही आएगा। अच्छा अमंग कब आएगा इस केस में बताता हूँ, इस केस में आएगा अमंग। द स्टडी ट्राइज टू आंसर एसोसिएशन अमंग द
3 वायरसेस। ठीक है, अब बताओ तीनों के नाम दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए, ये ऐसा लिख दूं अमंग द वेरियस वायरसेस, है ना। अब बताओ कुछ नाम दिया वायरस का? नहीं दिया हुआ। इस केस के अंदर आपको अमंग लगाना है, बिटवीन मत लगाना, क्योंकि ये तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं और हमें इनके नाम भी मालूम नहीं है। बस सेकंड वाले में ये, द मैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस अमंग द फंक्शनिंग ऑफ अ हेयर ड्रायर, अ वेंटिलेटर एंड अ वैक्यूम क्लीनर। आदमी ने ट्राई की अंडरस्टैंड करने की डिफरेंस को इन तीनों जो है ना चीज़ों के बीच में। ये चार भी हो सकती थी, पांच भी हो सकती थी, बात वो नहीं है। बात ये है कि तीनों चारों के नाम अलग अलग दिए हुए हैं। जब इन चारों के नाम अलग अलग दिए हुए हैं तो अब लगाना है बिटवीन को, अमंग को नहीं लगाना। अमंग तब लगता जब मैं यहाँ लिख दूँ इन तीनों की जगह फंक्शनिंग ऑफ वेरियस होम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, है ना, ऐसा लिख देता तब अमंग सही बैठ जाता। सेंटेंस में एक और गलती है, वैक्यूम की स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखी जाती, इसमें आता है W, ध्यान देना स्पेलिंग बहुत अच्छी स्पेलिंग है ये, स्पेलिंग एरर में आती है, VACWM होता है वैक्यूम। लोग ऐसा लिख करके आते हैं ना वैक्यूम, ऐसा नहीं, सी सिंगल यू डबल। बढ़े आगे चलो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मैं आपको खबरी पे करवा चुका हूँ, कैसे इस वर्ड को तोड़ करके इसका ऑपरेशन करके मैंने आपको बताया था। कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब नसें, आपके हार्ट की जो नसें हैं ना, आर्टरीज हैं, उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ आपको हो उसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। खबरी पे रूट वर्ड की क्लास चल रही है, फ़ायदा उठाएं, सबसे अच्छी क्लास हो सकती है आपकी, बहुत पावरफुल क्लास हो सकती है वोकैबुलरी के लिए, अगर आप फोकस के साथ देखते हैं। आगे बढ़े, कर द लैंसेट स्टडी ट्रिगर्ड अ बैकलैश फ्रॉम साइंटिस्ट हु फाउंड प्रॉब्लम्स विद द मेथोडोलॉजी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द डेटा सेट। कह रहे तो पहले वाली स्टडी थी ना लैंसेट स्टडी, इसने ट्रिगर कर दिया बैकलैश को, इसने ट्रिगर कर दिया बहुत सारी बुरी खड़ी खोटी बातों को। कहाँ से? उन साइंटिस्ट से, उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने पाया प्रॉब्लम्स को इसके तरीके के साथ और उससे भी इम्पोर्टेंट इसके डेटा के साथ। कह रहे डेटा भी खोटा, तरीका भी खोटा, मतलब तुम्हारी पूरी स्टडी ऐसी है, ऐसा इन साइंटिस्ट ने पाया और पूरी स्टडी को इसने, स्टडी ने ट्रिगर कर दिया एक बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया को, रिस्पांस को। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो तो सिंपल सेंटेंस है, बच्चों वाला सेंटेंस है, स्टडी इसकी वर्ब, हु इसकी वर्ब। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड आए हैं जरूर बैक लैश, परसों मैंने बताया था लैश आउट फ्रेजल वर्ब क्या होती है, लैश का मतलब होता है कोड़ा, लैश आउट मतलब किसी को अपने शब्दों से, अपनी बातों से बुरे तरीके से घायल कर देना, लैश आउट का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, लैश आउट। अब बैकलैश ही वही है, किसी को सामने से, बैक सामने से रिस्पॉन्स के अंदर लैश देना, किसी को रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत बुरे से खरी खोटी सुनाना, बैकलैश समझ गए ना, बहुत ही हार्श रिस्पॉन्स इज कॉल्ड बैकलैश। ट्रिगर करना आप जानते हैं, जैसे बंदूक का घोड़ा ट्रिगर होता है, जब उसकी शुरुआत हो गई उस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। ट्रिगर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना, इंसाइट करना, कोज करना, इंस्टिगेट करना, किसी चीज़ को भड़का देना। आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज़ में लॉजिक है, लॉजिक को मेरे साथ पकड़ते जाओ, बहुत खूबसूरत है इंग्लिश अगर आप लॉजिक के साथ सीखते हो तो। कह इट इमर्स्ड दैट मोर्टैलिटी एट्रीब्यूटेड टू द डिसीज इन ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट मैच विद द कंट्रीज ऑन एस्टिमेट्स। इसने इट इमर्स्ड, ऐसा इमर्ज होकर के आया, इमर्ज मतलब जैसे पानी में से कोई चीज़ बाहर निकलती है ना, किनारे पे आती है, शोरअप होती है, उसको कहते हैं इमर्ज होना। तो कह रहा है ऐसा इमर्ज होकर के आया, ऐसा निकल करके आया हमारे सामने इमर्ज होके। अच्छा क्या? कह रहे जो मोर्टैलिटी है ना, जो डेथ्स हैं, जो मौतें हैं, जो एट्रीब्यूटेड हैं इस डिजीज़ से, जिसको एट्रीब्यूट किया गया इस डिजीज़ के ऊपर, जिसका कारण बताया गया डिजीज़, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कह रहा है ये जो मोर्टैलिटी थी ना, ये मैच नहीं करती थी कंट्री के खुद के एस्टिमेट्स के साथ, है ना, मतलब इस डेटा के अंदर। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हमारे यहाँ इतने लोग मरे हैं और इन्होंने डेटा कुछ और लिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौतों का, तो ऐसा इमर्ज होकर के आया कि ऑस्ट्रेलिया का डेटा इसमें खरा खोटा था, खराब था, ऐसा हमें पता लगा। कह रहे देयर वॉज नो वे टू टैली पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड द हॉस्पिटल्स दे वर सोर्स फ्रॉम। कह रहे जिस हॉस्पिटल से इनको सोर्स किया गया ना इस डेटा को, वहाँ पर कोई वे नहीं था, कोई तरीका नहीं था ना तो टैली करने का, मिलाने का पेशेंट के रिकॉर्ड्स को और उन हॉस्पिटल्स को जहाँ से इनको सोर्स किया गया था। तो कह रहा है ऐसे हॉस्पिटल का डेटा इन्होंने उठाया जिन हॉस्पिटल से ऐसा डेटा लिया ही नहीं जा सकता ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कह रहा है एंड देयर वर प्रॉब्लम्स विद द स्टैटिस्टिक्स डिप्लॉयड एंड द कंक्लूजन अबाउट द पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम द ड्रग। और वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी थी उन स्टैटिस्टिक्स के साथ, उन आंकड़ों के साथ जिनको डिप्लॉय किया गया, काम में लिया गया, और उन कंक्लूजन्स के साथ जो थे एक संभावित रिस्क के, जोखिम के,
इस ड्रग के द्वारा। तो शुरुआत से अंत तक इस पूरी स्टडी के अंदर हर चीज़ फर्जी थी, डेटा भी फर्जी था, जो कंक्लूजन निकाले वो भी फर्जी थे, और जो डेटा जिस तरीके से स्टडी किया गया वो तरीका भी फर्जी था। समझिए सेंटेंस को। एट्रीब्यूट के बाद टू लगता है, मैंने आपको बताया ऑन के पहले पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो कंट्री जोन आ गया ना, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है ना, इट्स ऑन आ जाता। अगर ये कंट्री पहले हमने कहीं लिखी होती तो इट्स ऑन आ सकता था ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम इट्स भी लगा सकते थे। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं थोड़ी देर का पॉज लूँगा, आप एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। देयर के बाद वॉज आ रहा है, देयर के बाद वर भी आ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है, खासकर उन लोगों के लिए, कोशिश करके आप मुझे बताएं क्यों मैंने एक जगह वॉज लगाया, एक जगह वर लगाया। पहले आप सोचें अपने दिमाग में, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, देयर है ना, देयर सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसके बाद चाहे वॉज आए चाहे वर आए, सवाल बनता ही नहीं है। देयर वाले सेंटेंसेज में शुरुआत में देयर आता है एक एडवर्ब बन के, और सेंटेंस को इन्वर्ट कर देता है। सेंटेंस को इन्वर्ट करने का मतलब है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लिख देना। तो एडवर्ब तो पहले आएगी देयर, है ना, ये तो हमें लगानी पड़ी। अच्छा, इसके बाद हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब को, और वर्ब का सब्जेक्ट आएगा उस वर्ब के बाद में। तो देखने में लगता है देयर हमारा सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, यहाँ पे देयर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर इसकी वर्ब है। एक्चुअल में सब्जेक्ट इन वॉज या वर के बाद में लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से ही वॉज या वर लगे हैं। तो नो वे सिंगुलर है तो वॉज आ गया, प्रॉब्लम्स प्लूरल है तो वर आ गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे, आगे बढ़ें। कह रहे द बिगर कंसर्न वॉज दैट द डेटा वॉज सप्लाइड बाय द सर्जिस्फीयर कॉरपोरेशन विच हैड अ हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज विद लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टीज। कह रहा और भी बड़ा कंसर्न क्या था, जो डेटा था उसको सप्लाई किया गया था, इस पूरी इंफॉर्मेशन को लाया गया था इस कॉरपोरेशन के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा। अब ये कौन सी कंपनी है, जिसके पास एक मुट्ठी भर एम्प्लॉयज हैं, हैंडफुल ऑल एम्प्लॉयज हैं, और जिनकी साइंटिफिक एक्सपर्टीज, साइंटिफिक कलाएं, साइंटिफिक उनके अंदर आर्ट है ना, जो नॉलेज है वो बड़ा लिमिटेड है, थोड़े से एम्प्लॉई हैं और वो भी 10वीं पास है, समझ गए ना, साइंटिफिक एक्सपर्टीज उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कह रहा है और क्लेम टू हैव एग्रीगेटेड इट्स नंबर्स बाय कंपाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स लेस देन 2 मंथ्स। कह रहा है ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लेम कर चुकी है, जिसने दावा किया है कि उसने एग्रीगेट कर दिया है, उसने सबको इकट्ठा कर दिया है, किसको, इसके उन आंकड़ों को, और कैसे, कंपाइल करके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को, सारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है ना जो सॉफ्ट कॉपी के अंदर, उनको कंपाइल करके एग्रीगेट करके इसने नंबर को लेकर के आया, और कब, लेस देन 2 मंथ्स, 2 महीने से भी कम के टाइम में। तो यहाँ से मैं पता लगा, इस कंपनी की जैसे जांच पड़ताल हमने की तो मालूम चला कि भाई इसके पास थोड़े से तो एम्प्लॉई हैं, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और डेटा को इसने 2 महीने के अंदर कंपाइल कर दिया है। आगे ये बताएगा ये डेटा 2 महीने में कंपाइल हो ही नहीं सकता, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें बताया। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, विच लगा कंपनी के लिए, सर्जिस्फीयर कॉरपोरेशन एक ऐसी कॉरपोरेशन है जिसको हमें दैट लगा करके उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दैट लगाता उसका मतलब क्या हो जाता, भाई 5 सर्जिस्फीयर कॉरपोरेशन है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसमें 10वीं पास लोग काम करते हैं, समझ गए ना, तो 5 नहीं है, 1 ही है। तो ऐसे केस में विच लगाता हूँ। दूसरी चीज़, हैंड फुल एक नाउन नहीं है ना, अ हैंड फुल ऑफ एम्प्लॉयज। आप मुझे बताएंगे हैंड फुल का प्लूरल क्या होता है, हैंड फुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, है ना, फुल ऑफ हैंड, तो हैंड फुल ऑफ कोई भी चीज़ आप बोल दो ना, दे शी हैड अ हैंड फुल ऑफ शुगर इन हर टी, उसने अपनी शुगर के अंदर, अपनी टी के अंदर मुट्ठी भर चीनी डाल दी, है ना, हैंड फुल। इसका प्लूरल बनाए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा। चलो देखो, जनरली आप प्लूरल कैसे बनाते हो, अगर मैं आपको लिखूँ पेन स्टैंड, आप क्या करते हो इसका बना देते हो पेन स्टैंड्स, जो चीज़ मेन होती है उसको एस कर देते हो, उसके आगे प्लूरल बना देते हो, और जो चीज़ एडजेक्टिव की तरह काम कर रही होती है उसको पेन बना देते हो। नॉन वीडियो में बताया मैंने आपको कि हैंड फुल और स्पून फुल ये एक ऐसे नाउन है जिसके अंदर हैंड मेन वाला नाउन नहीं है। ये आजकल ऐसे नाउन बन गए हैं जो कि अपने आप में एक अलग वजूद रखते हैं, इनको अगर आपको प्लूरल बनाना है ना तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा बनाते हो हैंड्स फुल, ये ऐसा नहीं बनता, ये मेरा भाई ऐसा बनता है हैंड्स हैंड फुल्स, ठीक है ना, समझो इसको, हैंड्स फुल नहीं हैंड फुल्स। ऐसा ही स्पून फुल के साथ है, स्पून फुल मतलब एक स्पून भरा, है ना, स्पून फुल ऑफ शुगर, तो मैं क्या बनाऊँगा, स्पून फुल्स, है ना, स्पून फुल्स, एल के बाद ऐसा आएगा, स्पून और हैंड के बाद ऐसे नहीं आएगा, ध्यान दें इस चीज़ पर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। कह रहा है एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट सेड
दिस वॉज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। जो बहुत ही एक्सपीरियंस क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट है ना, उन्होंने ऐसा कहा कि जो ऊपर वाली पूरी प्रोसेस है ना, दिस वॉज, ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत ही इंटेंसिव लेबर की ज़रूरत है, 50 लोग 500 दिन काम करेंगे तब ये प्रोसेस होती है। ये हैंड फुल ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ दो महीने में कंपनी नहीं कर सकती, समझ गए ना, लेबर इंटेंसिव समझ गए ना, जिसमें बहुत सारा लेबर की ज़रूरत है, काम की, काम करने वालों की ज़रूरत है। कह रहा मोर ओवर इसके बाद भी, व्हेन एस्पर्जन्स अबाउट द डेटा स्टार्टेड टू स्वर्ल, द कंपनी साइटिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी सेड इट वॉज अनेबल टू शेयर इट्स डेटा सोर्सेज फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट। कह रहे मोर ओवर उसके बाद हुआ क्या, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी है ना, इन सब चीज़ों के बाद भी हुआ क्या, जब एस्पर्शंस आए इस डेटा के बारे में स्टार्ट हुए, एस्पर्शंस होता है किसी चीज़ के बारे में खराब बातें, है ना, जब इस डेटा के लिए गालियां शुरू हो गई बाजार के अंदर, एस्पर्शन शुरू हो गए, बैड कमेंट शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए। और कैसे स्टार्ट हुए, स्वर्ल होना, स्वर्ल होना का मतलब क्या होता है, हमने बवंडर देखा है ना, गोल गोल घूमता है, उसको कहते हैं स्वर्ल होना, है ना। जब इसके लिए खराब बातों का बवंडर आने लगा, एक खराब बातें जो है इसके लिए बाजार के अंदर उठने लगी, तो हुआ क्या, ये जो कंपनी है ना, इसने हवाला देते हुए क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि कौन क्लाइंट है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हम रखेंगे, उनका नाम हम आपको नहीं बता सकते, ऐसा हवाला देते हुए इस कंपनी ने क्या कहा, सेट कहा इट वॉज अनेबल, हम नहीं कर सकते इस काम को, और किस काम को, शेयर इट्स डेटा रिसोर्सेज, इसके डेटा को, रिसोर्स को शेयर करने का, और क्यों, फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ऐसी असेसमेंट, ऐसे जायजे के लिए जो इंडिपेंडेंट है, जो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है। जब सबने गालियां दी इनको, इस कंपनी को पूछा भाई कहां से लाए हो तुम डेटा, बताओ तुम हमें, तो कंपनी क्या बोली, ना 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 हम नहीं दे सकते, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्लाइंट का डेटा हम आपको दे नहीं सकते, है ना, ये तो हम डेटा जो है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से हम ही इसको यूज़ करेंगे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, एज पर्सन मैंने आपको बता दिया, बैड कमेंट्स, अब्यूज़, किसी के लिए खराब बातें, स्वॉल का मतलब ये होता है छोटा सा तूफान, टू रिवॉल्व लाइक ए व्हर्लपूल इज स्वॉल, है ना, एजिटेट होना भी बोल सकते हैं, उबाल आना, बॉयल होना भी बोल सकते हैं, जब उबाल आए, एस्पर्शंस आए, एस्पर्शंस के लिए उबाल आए, है ना, बाजार में। आगे बढ़ते हैं, साइडिंग देखते रहना, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, कंपनी ने ऐसा कहा साइड करते हुए इस चीज को, कह रहा है इन देयर रिट्रैक्शंस द जर्नल्स हैव ब्लेम्ड सर्जिस्पेयर फॉर बींग ओपेक विद इट्स प्राइमरी डेटा। कह रहा है अपने रिस्ट्रिक्शन के अंदर, अपनी स्टडी को कैंसिल करने के काम के अंदर, ये दो जर्नल्स हैं ना दोनों, एक तो लैंसेट और एक दूसरा वाला, इन दोनों जर्नल्स ने ब्लेम किया है इस कंपनी को होने के लिए ओपेक, होने के लिए बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं अपने प्राइमरी डेटा के साथ। तो रिट्रैक्शन करते हुए उन्होंने क्या बोला, हमने तो सब कुछ सही किया है, बस ये जर्नल्स ही दोनों जो है ना, इन्होंने हमें खराब डेटा प्रोड्यूस किया था, और बिल्कुल ओपेक है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है उस डेटा के बारे में, हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। सेंटेंस में देखने वाली चीज, सब्जेक्ट जर्नल्स वर्ब हैव ब्लेम्ड, सिंपल सेंटेंस है ना, ओपेक नाम के वर्ड को नोट करें, बहुत बार आया हुआ है, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं हो उसको ओपेक कहते हैं। आगे बढ़ें, कह रहे सो फार नीदर जर्नल हैज इंट्रोस्पेक्टेड ऑन द पीयर रिव्यू प्रोसेस दैट लेड टू दीज स्टडीज बींग पब्लिश इन द फर्स्ट प्लेस। ध्यान देना, सेंटेंस में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है अभी तक दोनों में से एक जर्नल ने भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक ने भी, तो नीदर जर्नल मतलब दोनों में से एक जर्नल ने भी ऐसा काम नहीं किया, और क्या नहीं किया, इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, झांक करके नहीं देखा अपने अंदर, और किसके, ऑन द पीयर रिव्यू प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ छापने से पहले अपने सब लोगों को दिखाते हो कंपनी के, कि भाई मैं ये छाप रहा हूँ, तुम्हें कुछ इस बारे में पता है, या कोई भी ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताओ, तो पीयर रिव्यू करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस। दोनों भी जर्नल ने कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया अपनी पीयर रिव्यू प्रोसेस पे। अच्छा, कौन सी प्रोसेस है जो कि लीड टू कर गई इन स्टडीज़ के पब्लिश होने को इन द फर्स्ट प्लेस पहली दफ़ा। तो कह रहे पीयर रिव्यू प्रोसेस अगर इन कंपनियों ने ठीक से फॉलो की होती, हर आदमी ने इस स्टडी को पहले इस कंपनी का देखा होता, इन दोनों जर्नल्स के, तो होने ऐसा होने पे ना ये दोनों स्टडियां पब्लिश होनी नहीं थी एक्चुअल के अंदर। तो इस पे कोई भी कमेंट दोनों जर्नल्स ने नहीं किया। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ आ जाओ, ईच इधर निधर नोट मैं करवा चुका हूँ बहुत बार, आपको कोशिश आपको करनी है तीनों के तीनों सेंटेंसेस को आप अभी एरर निकाल करके मुझे बताएंगे कैसे, कौन सी एरर मैंने कहाँ रख छोड़ी है आप मुझे बताएं, फिर कॉन्सेप्ट में आपको रिपीट करवा देता हूँ। चलो, सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ईच इधर नीदर ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं किसी भी चीज़ को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने का।
आपके पास 10 लड़के हैं, आपने बोल दिया यार ये 10 के 10 दस के दस लड़के ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और आप इसको बोलने का एक और तरीका भी है, ईच ऑफ दीज 10 बॉयज प्लेज वेरी गुड क्रिकेट, है ना। आप दोनों को, दोनों तरीके से इस बात को बोल सकते हैं। तो ईच इधर इधर यही काम करते हैं जब आपके पास चीज़ें दी हुई उनमें से जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करके। इनका रूल ये कहता है जैसे ही आप ईच ऑफ द बॉय लिखोगे ना तो आपने यहाँ पे बॉय नहीं द बॉयज लगाना है, क्योंकि कई सारे बॉयज होंगे तभी उनमें से आप बोलोगे हर एक लड़का, है ना, हर एक लड़के ने एनरोल किया था कंपटीशन के लिए। अगर एक ही लड़का था तो फिर बॉय लिखना था, तो फिर मुझे ईच की ज़रूरत नहीं थी, उस लड़के का नाम लिख देता मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं उनमें से हर एक ने एनरोल किया था, इसलिए द बॉय नहीं द बॉय नहीं, यहाँ तो आएगा द बॉयज। पहली चीज़ ये, ईच इधर नो नीदर के बाद हमेशा इनके बाद ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन को लगाना है। अच्छा दूसरी चीज़, हर लड़के ने एनरोल किया था, हर एक लड़के ने एनरोल किया था तो हैव नहीं, यहाँ पे तो हैस आएगा, क्यों, हम एक एक की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके बात कर रहे हैं, चाहे 50 लड़के हों हम तो हर एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे ईच ऑफ द बॉयज़ हैज एनरोल्ड फॉर द कॉम्पिटिशन। इतना तो आप समझ गए, है ना, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ एनरोल्ड फॉर द कॉम्पिटिशन। अब अगले को देख लो, नीदर ऑफ द 3 गर्ल्स नो एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, तीनों में से कोई भी लड़की इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानती है। सबसे पहली चीज़, ऑफ के बाद देखूंगा मैं क्या आया हुआ है, 3 गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है, प्लूरल होना चाहिए था और प्लूरल है भी, पहली हमारी वाली जो है ना कंडीशन हो गई पूरी। दूसरी चीज़, नो की जगह मुझे यहाँ नोज करना है, मुझे सिंगुलर वर्ब बनानी है, क्योंकि इस इधर निधर हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। तो पहला काम तो मैंने ये सही कर दिया, ऑफ के बाद देखा प्लूरल नाउन आना चाहिए था, वर्ब आनी चाहिए थी सिंगुलर, मैंने सिंगुलर कर दी। पर अभी भी इस सेंटेंस के अंदर एक एरर बच गई। अब वो एरर क्या है, नीदर का काम होता है दो में से बताना, नीदर 3 के लिए नहीं लगाते। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे, 3 को 2 कर जाता हूँ, है ना, अरे भैया ऐसा मत करना, 3 लड़कियाँ दी है तो उनको 3 ही रखना। नीदर जब जब आपको 2 से ज़्यादा के लिए दिया हो तो आपको नीदर की जगह बना देना है नन ऑफ द 3 गर्ल्स, समझ गए मेरी बात को। नीदर किन के लिए, 2 के लिए, कहने का मतलब क्या है, 2 में से एक ने भी नहीं जानती इस प्रोजेक्ट के बारे में। नन का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा के लिए, इसका मतलब यही है, इन 3 लड़कियाँ 4 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ 2 से जितनी भी ज़्यादा लड़कियाँ हैं उनमें से एक भी नहीं जानती इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी, समझ गए ना। अगर यहाँ पे 2 कर दूँ तो फिर नीदर यहाँ पे ठीक है। चलो, ईदर ऑफ द इंडिया साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया डिजर्व अ प्लेस इन G8, आप करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये 2 मैंने करवा दिए हैं, तीसरा आपको करना है, कोशिश करें कमेंट सेक्शन में डालें, सही होगा गलत होगा वहीं पे मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। बड़े आगे, चलो कह रहा है इन हिंडसाइट इट, चलो आज के क्वेश्चन मैं वहाँ डाल दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, कमेंट सेक्शन में मेरा आंसर भी अपडेट कर दूंगा मैं आधे पौने घंटे के अंदर। कह रहा है इन हिंडसाइट इट सीम्स ऑब्वियस दैट अ डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस वुड हैव रेस्ड आईब्रोज रिगार्डिंग डेटा सोर्सेज। कह रहा है इन हिंडसाइट, पीछे मुड़ करके देखने पे, हिंडसाइट मैं आपको बताऊंगा ये वर्ड कैसे बना है। कह रहा है पीछे मुड़ करके देखने पे इट सीम्स ऐसा दिखाई देता है, और बड़ा ही ऑब्वियस, बड़ा ही साफ, और कौन सी चीज़, वो ये कि एक डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस जो है ना, एक ऐसा एनालिसिस जो बिल्कुल भी बायस ना हो, डिसइंटरेस्टेड हो, किसी की भी तरफ से झुका ना हो। कह रहा ऐसा एनालिसिस जो होता उसने रेज कर दिया होता आईब्रोज को, उसने सबकी भौहों को खड़ा कर दिया होता, है ना, और किसके बारे में, डेटा सोर्सिंग के बारे में। कह रहा अगर पीछे मुड़ के देखते तो ऐसा हमें अभी भी लगता है कि अगर आपने ऐसा एनालिसिस किया होता तो सबको पता चल जाता कि डेटा सोर्सिंग गलत है। लेकिन बट द पोस्ट कोविड वर्ल्ड इज अ पैनिक ड्रिवन वन दैट हैज लेफ्ट नो इंस्टीट्यूशन और अप्रेजल प्रोसेस अनटस्ट। कह रहा लेकिन जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है ना, कोविड के बाद में जो आने वाली दुनिया है वो पैनिक ड्रिवन है, पूरी की पूरी डर के ऊपर चलती है, है ना, ऐसी एक दुनिया है पोस्ट कोविड वाली दुनिया, और ये वो दुनिया है जिसने लेफ्ट कर दिया है, जिसने छोड़ दिया है किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं और किसी भी अप्रेजल प्रोसेस को नहीं अनटस्ट, बिना छुए। सेंटेंस को एक बार रिपीट करता हूँ, फिर इसके अंदर की वोकैबुलरी ग्रामर को देखेंगे। हिंड साइड वर्ड को देखें पहले, हिंड साइड का मतलब क्या होता है, पिछला, हिंड और साइड मतलब देखना, आपके पास एक्सपीरियंस को देखना, पीछे मुड़ करके देखना, लुक बैक करना, उसको कहते हैं हिंड साइड करना। ऐसे ही बना है फोर साइट, आगे की तरफ देखना, आगे की सोच करके कुछ काम करना, उसको कहते हैं फोर साइट, है ना, सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है एक दूसरे के दोनों ही। कह रहा है हिंड साइड में अगर हम देखते ना पीछे मुड़ करके तो ऐसा साफ साफ हमें दिखता है कि एक बिना बायस वाला एनालिसिस, एकदम डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस है, उसने आईब्रोज को रेज कर दिया होता,
कान खड़े कर दिए होते डेटा सोर्सिंग के बारे में। लेकिन कोविड के बाद की दुनिया डर से चलने वाली दुनिया है और इस दुनिया ने किसी भी इंस्टीट्यूशन और किसी भी अप्रेजल प्रोसेस को अनटस्ट नहीं छोड़ा है। तो डर के मारे इन्होंने फटाफट सारा काम कर डाला। एक डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस ये करते हैं कोविड से पहले, तो ये पहले ही बता देते डेटा सोर्सिंग गलत है। समझ गया आई थिंक सेंटेंस को। सेंटेंस में हिंट साइड आपको बता दिया मैंने, डिसइंटरेस्टेड जिस चीज़ में आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, जिस चीज़ के अंदर आपको अच्छा बुरा सोचना ही ना हो, उसको कहते हैं डिसइंटरेस्टेड। न्यूट्रल बोल दो, अनबायस बोल दो, डिसइंटरेस्टेड। कह रहे द एवरेज पीयर रिव्यू टेक्स वीक्स एंड द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस मंथ्स। कह रहे एक एवरेज पीयर रिव्यू की जो प्रोसेस है ना उसमें कई हफ्ते लगते हैं और जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस है उसमें लगते हैं कई महीने। बट नाउ द एक्सपेक्टेशन इज दैट द साइंस डिलीवर्स इट्स रिजल्ट्स लाइक मैजिक। पर अब एक्सपेक्टेशन ये है कि साइंस जो है ना डिलीवर करे अपने रिजल्ट को जादू के जैसे। तो पोस्ट कोविड में पैनिक ड्रिवन ऐसा है वर्ल्ड जहाँ पे साइंस से सब जादू की उम्मीद करते हैं कि फटाफट से कोई वैक्सीन आप बना करके दिखाओ। समझ गए सेंटेंस में। देखने वाली एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, पीयर रिव्यू टेक्स वीक्स, इसकी वर्ब आ गई पीयर रिव्यू की टेक्स। क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस की वर्ब नहीं आई हुई। क्यों नहीं आई हुई? देखो आपको इंग्लिश के अंदर एक फॉर्मूला जो है ना फॉलो करना होता है, एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड को दो बार ना लिखा जाए, है ना। कोशिश करें नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाए, वर्ब हेल्पिंग वर्ब को आप कर दें रिमूव। तो पीयर रिव्यू के बाद टेक्स आया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस के बाद में टेक्स हमने जो है रखना मुनासिब नहीं समझा। समझ गए ना। तो इस तरह से यहाँ पे टेक्स वर्ब इसकी भी है, बस यहाँ पे हमने इसको अंडरस्टूड है लिखा नहीं है। कह रहे फोर ईयर्स नाउ, कई सालों के लिए अभी हुआ क्या, क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेडिशनल टाइम कंज्यूमिंग पीयर रिव्यू प्रोसेस। कह रहे कई सालों से ऐसा होता रहा है कि क्वेश्चन को रेज किया गया है असरकारक पे, असरकारिता पे, इफेक्टिवनेस पे, जो परंपरागत ट्रेडिशनल और टाइम को कंज्यूम कराने वाली पीयर रिव्यू की प्रोसेस है। तो कई सालों से इस पे सवाल खड़े होते आ रहे हैं। कह रहे दिस हैज लॉन्च्ड अ वेलकम कल्चर ऑफ पेपर्स बींग अपलोडेड एज प्री प्रिंट्स फॉर रिव्यू। और कह रहा है इसने लॉन्च कर दिया एक वेलकम कल्चर को, एक ऐसे कल्चर को, सभ्यता को जिसका सब वेलकम कर रहे हैं, जिसमें पेपर्स अपलोड हो जाते हैं प्री प्रिंट्स के नाम पे रिव्यू के लिए। अभी कई सालों से अटैक कर रहे हैं लोग साइंटिफिक प्रोसेस पे कि आप तो बहुत टाइम लेते हो, तो एक नया कल्चर आ गया है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना पेपर बना के छाप दो, अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो रिव्यू डाल देगा, नहीं तो उसको हम फाइनल मान लेंगे। तो ये एक नया कल्चर आ गया है इस कारण से, इस क्वेश्चंस बनने के कारण। सेंटेंस सिंपल है, आई थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। कह रहा इन द प्रेजेंट इंस्टेंस ऑफ द एचसीक्यू इम्ब्रोग्लियो इट इज द इंडिपेंडेंट एफर्ट बाय द एक्सटर्नल साइंटिस्ट दैट ब्रॉट द ब्लाइट टू द लाइट। कह रहा ये जो प्रेजेंट इंस्टेंस है ना, ये जो हाल का किस्सा है एचसीक्यू से रिलेटेड लड़ाई का, इससे रिलेटेड विवाद का, इम्ब्रोग्लियो का। कह रहे जो अभी हाल का जो किस्सा है ना, ये कह रहे ये एक इंडिपेंडेंट एफर्ट है, ये एक ऐसा एफर्ट है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं करता, और किसके द्वारा है, बाहर के साइंटिस्ट के द्वारा है। अच्छा कौन से साइंटिस्ट, जो कि लेकर के आए, ब्रॉड करके आए इस ब्लाइट को, इस पूरी तकलीफ को लाइट तक, रोशनी तक। ब्लाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो ना, उसको कहते हैं अपने ब्लाइट। तो कह रहे अभी रिसेंट इंस्टेंस के अंदर बाहर के साइंटिस्ट लोगों ने अपने एफर्ट लगा करके इस डेटा में से कमियां निकाली हैं, अंदर वालों ने तो छाप करके इसको फाइनल बता दिया था एचसीक्यू काम नहीं करती है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ इम्ब्रोग्लियो, फाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, फ्यूड हो, इसको कहते हैं अपने किसी भी चीज़ को, आपस के विवाद को, इम्ब्रोग्लियो। ब्लाइट वर्ड मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़े। सिंपल सेंटेंसेज हैं, फास्ट प्रोसेस करने की कोशिश करें इन सेंटेंसेज को। करे द की लेसन इज दैट इट इज़ अ मिस्टेक टू अस्यूम द साइंटिफिक प्रोसेस एज वन डिवोर्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर प्रिविलेज फिनेंस एंड पॉलिटिक्स। की लेसन यही है इसमें, सबसे अच्छा वाला सबक इस समय यही मिलता है, दैट वो ये कि ये एक मिस्टेक होगी, गलती होगी, अज्यूम कर लेना, इस बात को मान लेना। किस बात को, कि साइंटिफिक जो प्रोसेस है, वैज्ञानिक जो तरीके हैं, वो कैसे हैं, एज वन वो ऐसे हैं जो डिवोर्स फ्रॉम है, जिनका तलाक हो चुका है, किससे, इन्फ्लुएंस से, किसके, पावर प्रिविलेज फिनेंस और पॉलिटिक्स, इन चारों के प्रभाव से, इन चारों के इन्फ्लुएंस से, इम्पैक्ट से, ये बिल्कुल अलग हैं साइंटिफिक तरीके। तो यही लेसन हमें सबक मिलता है कि साइंस भी प्रिविलेज से, ताकत से, पैसे से और राजनीति से
जुदा नहीं है, अलग नहीं है, डिवोर्स फ्रॉम नहीं है। अगर मान लेते हो ना ऐसा, तो एक मिस्टेक होगी आपकी, ये गलती होगी। डिवोर्स के दो और सिनोनिम भी हैं जिनको मैं यहाँ रख सकता था, स्ट्रेंज और एलियनेट। दोनों में क्या रहा है? देखो, एलियन मतलब जो आपका नहीं है, बाहर का पराया है, उसको आपने डिवोर्स दे दिया है, आपने किसी को एलियन बना दिया है। स्ट्रेंज का मतलब यही है, जो अब आपके लिए स्ट्रेंज हो गया है, अब आप उसको पहचानना बंद कर गए हैं, डिवोर्स दे दिया आपने, है ना। तो ऐसे याद रखें, तीनों वर्ड का एक ही मतलब है, किसी से नाता तोड़ लेना, डिवोर्स ले लेना। कह रहे द मीन्स एंड मैथड्स टू अ साइंटिफिक रिसर्च मैटर मोर देन रिजल्ट्स। कह रहे मीन्स और मैथड जो है ना, तरीका है और जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं एक साइंटिफिक रिजल्ट को पाने के लिए, वो मैटर करते हैं ज़्यादा उस रिजल्ट से खुद ब खुद। कह रहा कैसे? ओनली अचीव थ्रू ग्लोबल सिक्योरिटी, जो कि महज अचीव किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया की स्क्रूटनी के द्वारा। तो जिस तरीके से आप रिजल्ट लेकर के आओगे ना, वो तरीका ज़्यादा मैटर करता है। रिजल्ट आए या नहीं आए वो बाद की बात है, ये चीज़ कम मैटर करती है। और ये चीज़ सिर्फ ही आप तभी इसको अचीव कर सकते हो, पूरी दुनिया स्क्रूटनी करे आपके काम की, ग्लोबल स्क्रूटनी हो। स्क्रूटनी होती है इन्वेस्टिगेशन, जांच, टेस्टिंग, है ना, स्क्रूटनी। कह रहा ओपननेस मोर देन ब्लेम गेम इज व्हाट द पोस्ट कोविड वर्ल्ड नीड्स नाउ। खुलापन चाहिए हमें एक ब्लेम गेम से ज़्यादा, ओपननेस ज़्यादा एक ब्लेम गेम से, एक दूसरे पे ब्लेम लगाने वाले खेल से। वो क्या है? वो है वो चीज़ जिसको ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड अभी नीड करता है, जिसको इस वर्ड को जरूरत है। तो खुलापन चाहिए हमें, ब्लेम गेम मत खेलो आप, बस इसी चीज़ की सबको आज की डेट में है ज़रूरत। नई थीम थी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था, है ना, नई थीम के कारण। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फटाफट से समरी लिख डालो, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना, उनके आंसर्स को भी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल आपका है, कंटेंट भी आपका है, आप ही के लिए है। जितने लोगों तक इनको पहुंचाएंगे इस कंटेंट को, उतना ही चैनल को ग्रोथ मिलेगी। कल की वीडियो करेंगे रात में 8:30 बजे लाइव, प्रॉबेबली वीडियो होगी क्लोज टेस्ट, PQRS, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस एरर करेक्शन की। कोशिश करूँगा जितनी लंबी मैं बना सकूँ बनाऊँ, लाइव इसको करेंगे, आपके साथ में लाइव बैठा रहूँगा। इस वीडियो को पूरे वीक में आपने जो मेरे साथ सीखा है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चंस डाल करके बनाने वाला हूँ। ज़रूर से कल मिले मुझे संडे के दिन। साइनिंग आउट।